वैसले तू छंदनों के छाट लिए और मैं दे आया वचन तेन तू जा बे सकते नाट लिए। रानी सुन के एक बात तो रोई लेकिन सोच और विचार में डूब गई। महारानी क्या हुआ कि महाराजा आपने तीन वचन तो भरे और तीन वचन में यह दान देना भी स्वीकार कर लिया लेकिन एक बात का ख्याल नहीं किया महाराज आपने कि महारानी कौन सी बात का कि जब तक बेटा हो या बेटी, जब तक बेटा हो या बेटी शादी शादी से पहले बेटा हो या बेटी हो शादी से पहले अधिकार पूरा मार बाप का होता है लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर बेटी है तो उसके पति और उसके सास ससुर का अधिकार हो जाता है ना कि कोई माँ बाप का अधिकार। अगर बेटा है तो उसकी होने वाली पत्नी का अधिकार हो जाता है ना कि कोई माँ बाप का अधिकार। हमारे बेटे की शादी को, हमारे धीरधज बेटे की शादी को आज तीन दिन हुए हैं। बहू लजवंती जो महलों में बैठी है सोलह श्रृंगार करे जिसके हाथ का कंगना भी नहीं खुला है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत भी नहीं की है। आपने सोच भी कैसे लिया, आपने क्यों कर वचन भरे? वचन भरने से पहले तुमने ये ख्याल किया होता कि हमारे बेटे के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, बहू धर्म की बेटी लजवंती का अधिकार है। महारानी इस बात का तो मैंने ख्याल नहीं किया लेकिन अब क्या हो कि महाराज एक ही रास्ता है, अगर ये दान ही करना है तो पहले बहू को पूछना होगा। अगर बहू ने हाँ कर दी तो ये दान देख कर सकते हो, अगर बहू ने ना कर दी तो आप हरगिज ये दान नहीं कर सकते। महारानी बहू को जाकर के पूछो। विद्याधरनी महारानी राजा को वहीं बिठा करके और अपनी धर्म की बेटी धीरधज की घड़ियाली लजवंती के पास में आती है और अपने बेटे को, तीन दिन पहले पूरा अधिकार था आजाद थी, तीन दिन के बाद अपनी पुत्र वधु से अपने पुत्र को राजा मोरधज के तीन वचनों के अनुसार दान में देने के लिए अपने बेटे को झोली पसार करके बहू से मांगती है। आइए यहाँ का हवाला श्रोमणि कवि ने किस तरह का लिखा है, यहाँ ये रागनी सास और बहू की है। आइए सासू माँ, आपकी इस पुत्र वधु का आपके चरणों में सादर प्रणाम है। अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी सासू माँ। लेकिन बेटी लाजवंती, काम तो मुझे था इसलिए आज तेरे पास मुझे ही आना पड़ा। कहिए सासू माँ कि क्या काम है मुझसे आपको। बेटी आज मैं तुझसे अपने बेटे को मांगने के लिए आई हूँ। आज हमारे दरबार में कुछ साधु आए हैं और साधुओं ने तेरे ससुर को वचनों में बंद कर लिया और हमारे बेटे धीरध्वज को मांग लिया। बेटी तुझे आज अपना पति दान देना होगा। अच्छा हाँ, तो आप मुझसे मेरा पति मांगने आई हैं। हाँ। अरे सासू माँ, कणी मणि धन दौलत का दान तो सुना था लेकिन पहली बार किसी इंसान का दान तो सिर्फ आपके मुंह से सुन रही हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं अपने पति को दान में नहीं दूंगी। यहाँ से चले जाइए आप। लेकिन बेटी अगर तू अपने पति को दान में नहीं देगी तो तेरे ससुर वचनहार हो जाएंगे, ऐसा मत कर, मेरे बेटे को दान में दे दे। और जो आप मेरे साथ अन्याय कर रही हो सासू माँ उसका कुछ नहीं है। मैं कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ तेरे साथ, मैं तो अपने बेटे को मांगने के लिए आई हूँ। सुनिए मेरी बात, और मैं अपना पति दान में बिल्कुल नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। कह अपनी बात। हो मत जुला में करे मेरी सास नास खुद घर का करे नाचा। हे मत जुला में करे मेरी सास नास खुद घर घर का करे नाचा। झूला में करे मेरी सास।
चाहते कोन्या ना दौलत जागीर मगे शेर नैरी शेर ने जिमावण खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे और शेर ने जिमावण खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे साधुओं का की बहकाड़ा जोड़ी भीख भार दो जी हो के शेर खावे ल्या के बकरा डाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का देने डाल दे इतने पे भी ना माने तो धक्का देने डाल दो ओ ये ढोंगी फिरे से फकीर ये ढोंगी फिरे से फकीर कर रही हो सासू माँ हाँ। वो की साधु महात्मा नहीं है अरे ढोंगी है ढोंगी जो किसी के घर का चिराग बुझाने आए हैं और आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं अपना पति दान में दे दूं ऐसा कभी नहीं होगा आप सासू माँ लेकिन बेटी जैसी आज तू ये बातें कर रही है वैसी शोभा नहीं देती लेकिन तेरी भी कोई गलती नहीं है ये सब हमारी किस्मत खेल खिला रही है लेकिन बेटी जो आज साधु हमारे द्वार पर आए हैं तू कह रही है कि उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दीजिए लेकिन घर आए दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए वो तो साधु हैं, हम उसे उन्हें कैसे धक्के दे के बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा हाँ कहिए अपनी बात सुनिए मेरी बात सुनिए धर्म ना डिगाया करते घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते बेटे न मरवावे सासू घर की बन जावेगी ठेक हाथों की मेहंदी ना छूटी करके दिल में ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक हो घर बैठी बहू रे जवान घर बैठी बहू रे जवान जुलम करे मेरे सास के बात सत्रह जे Thank you.
बेटी लाजवंती। मैं एक तरफ देखती हूँ तो कुआ है और दूसरी तरफ देखती हूँ तो खाई है। तू ही बता कि अब मैं क्या करूँ, मुझे अपने बेटे को दान में देना होगा। मैं तो उसकी माँ हूँ, मैंने तो उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जन्म दिया है। बेटी लाजवंती तू तो कल परसों हमारे घर में आई है और तू कैसे मेरे बेटे को दान में नहीं दे सकती। एक तरफ तो मुझे अपनी बेटी कहती हूँ, हाँ, और दूसरी तरफ मेरी माँ का सिंदूर उजाड़ने पे बैठी हो सासू माँ। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि 3 दिन पहले मेरी शादी हुई है आपके बेटे के साथ और मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ने के लिए आ गई हो। अरे अगर दान में किसी इंसान को देना है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किसको दान में देना होगा। बेटी लाजवंती, हाँ, तू सही कह रही है कि तू कल परसों हमारे घर में आई है, तूने इस दुनिया में भी कुछ नहीं देखा, तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए। बताती हूँ, कही अपनी बात सुनिए मेरी वाणी। ये एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री, अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। अरे तू तो सासु खाई खेली आया मेरा वार री, बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हो तू दे ओरो ने डाले, तू दे ओरो ने डाट खाट गुदे को जिमाना है तो मैं अपने पति को उन संतों के शेर के सामने, हाँ, डाल दूं। क्योंकि आपने मुझे बताया है सासू माँ कि वो शेर सिर्फ नर का मांस खाना चाहते हैं और सिर्फ मेरा पति ही दान में क्यों जाए, आप अपने पति को भी तो दान में दे सकती हो। बेटी लाजवंती तू क्या सोचती है कि मैंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन संतों के ये वचन है कि हमें आपके बेटे धीरधज का मांस चाहिए। अगर वो संत मेरा मांस या मेरे पति का मांस चाहते तो हम हंसते हंसते उन शेर के सामने डल जाते। मैंने आपको माँ माना है सासू माँ और एक बेटी होने के नाते आपसे कहती हूँ कि क्या आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती सासू माँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि मैं अपना पति दान में नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। कही अपनी बात। अच्छा तो सुन ले मेरी बात, कहिए। पेट पकड़ बैठ गई हो, पेट पकड़ बैठ गई, बहु चाले पाड़ दिए, आने
काने कुछ ना सोची माज ने बिगाड़ दिए धरती का हिलाया पड़ता तने बदल फाड़ दिए धरती का हिलाया पड़ता तने बदल फाड़ दिए देख जहर मार दे तू क्यों मेरे तबेर करे सूरी का सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैर करे हरे राम बैसले पे और बजरंग मैर करे हरे हरे राम बैसले पे बजरंग मैर करे हो या की उमर घणी नादान या की उमर घणी करे